फर्जी पेटीएम से भुगतान करके लगाई 2 लाख की चपत। इन दिनों डिजिटल का चलन जोरों पर है। नोटबंदी के बाद से वैसे भी ऑनलाइन कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता अब डिजिटल भुगतान अधिक करने लगे हैं। इसी के चलते डिजिटल वॉलेट का भी उपयोग बढ़ता जा रहा है। पेटीएम, मोबिक्विक जैसी कंपनियों का भी बिजनेस ऐसे में खूब बढ़ गया। यूजर्स इन डिजिटल वॉलेट का उपयोग विभिन्न तरह के भुगतान में कर रहे हैं। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आए। पेटीएम की तरह ही कुछ फर्जी ऐप भी बनाए गए जो ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ये नकली ऐप भी आसानी से डाउनलोड किए जा रहे हैं। गूगल की सिक्योरिटी के बावजूद इन पर लगाम नहीं है। बताया जाता है कि फर्जी पेटीएम ऐप के जरिए हैदराबाद में कुछ लोगों ने कई जगह भुगतान किया और इस प्रकार कुल 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया। अब स्थानीय टास्क फोर्स इसकी जांच कर रही है। फोर्स का कहना है कि ठगों ने एक नकली पेटीएम बनाया जिसे कई लोगों ने डाउनलोड कर लिया। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकानदार से सामान खरीदता है तो भुगतान फर्जी पेटीएम से होता है। इसमें ट्रांजेक्शन और पेमेंट की स्टेटस सक्सेसफुल दिखाई देती है। ये देखकर लगता है लेन देन ठीक हुआ है, जबकि यह फर्जी होता है।